परीक्षा परिणाम में अनियमितता को लेकर मॉडल साइंस कॉलेज में छात्रों ने किया प्रदर्शन। कॉलेज प्रशासन पर परीक्षा परिणाम को सुधार करने की कही थी बात, सुधार न होने पर आक्रोशित हुए छात्र। एनएसयूआई के नेतृत्व में किया गया कॉलेज का घेराव। आपको बता दें कि मॉडल साइंस कॉलेज में एक बार फिर से छात्रों ने प्रचार के कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि एक ही विषय में परीक्षा परिणाम में छात्रों का एक जैसा रिजल्ट है। इस बात को लेकर पूर्व में भी छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा चुका है, जिस पर कॉलेज प्रशासन ने सुधार करने की बात कही थी, लेकिन सुधार न होने की स्थिति में एक बार फिर से आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन का घेराव कर दिया। इधर प्रचार का कहना है कि परीक्षा परिणाम में सुधार किया गया है, लेकिन छात्रों का कहना है कि 70% से अधिक छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम पूर्व की तरह ही है, जबकि विश्वविद्यालय जाने पर यह कहा जाता है कि टेक्निकल इश्यू की वजह से परीक्षा परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही कॉलेज में पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर एनएसयूआई की तरफ से पानी की टंकी की सफाई के लिए पूर्व में भी मांग की गई थी। छात्रों ने यहां तक कहा कि कुछ छात्र छात्राओं से परीक्षा परिणाम सुधारने के नाम पर रुपए की भी मांग की जा रही है, जिसका उनके पास सबूत भी है, समय आने पर वह उसे प्रस्तुत करेंगे। हम छात्र सभी छात्रों के साथ एनएसयूआई साथियों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 10 बजे से हम लोग 10:30 बजे से धरने में बैठे हुए हैं। इनकी मांग ये है कि इनका पिछले 20-25 दिनों पहले फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित किया गया। इनमें क्या हुआ, एक ही सब्जेक्ट में छात्रों को प्रमोटेड एटीगेटिव वितरित कर दिया। इनकी नई शिक्षा नीति का रूल क्या है, इनकी नई शिक्षा नीति का रूल ये है कि अगर आपका पासिंग मार्क 33 नंबर है तो 33 में से अगर आप 29 भी पाते हो तो आप 0 कर दिए जाओ। इनमें क्या है, छात्रों को 30-30 नंबर जुड़े भी हुए हैं, 30-30 नंबर दिखा रहा है, उसके बाद भी ये बीथेल है, प्रमोटेड है, एटिकेटिव। ये बेचारे यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जब जाते हैं तो वहाँ से कोई मिलता है यहीं का शिक्षक कि आप 4,000 रुपये दे दो, 3,000 रुपये दे दो, चुपचाप आपका रिजल्ट सुधर जाएगा। ये बेचारे कुछ डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं बेचारे, ये क्या करते हैं 4,000 रुपये की दे देते हैं और जैसे ही 4,000 रुपये देते हैं तो 24 घंटे के अंदर इनका रिजल्ट अपलोड हो जाता है। मतलब ये जो 400 लोगों का रिजल्ट प्रमोटेड और एटिकेटिव है, तो क्या ये छात्र 4,000 रुपये अलग से दे दें, फीस दिए हुए हैं बेचारे। ये सब सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, कोई भी आप भी जानते हैं, अगर बड़ा परिवार से होगा तो पेंटियम पॉइंट जाएगा, MLCT जाएगा, GNCT जाएगा। ये बेचारे सरकारी कॉलेज में इसीलिए पढ़ने आए हैं कि हमारी फीस कम लगेगी। ये बेचारे परेशान होकर यहाँ से वहाँ गए, फिर यहाँ भी आए, अब यहाँ भी प्रचार मैडम ये बोल रही कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये वहाँ से नहीं चढ़ा रहे, ये कह रही है कि इंडस्ट्री झूठ बोल रही है, इंडस्ट्री कह रही है कि प्रचार झूठ बोल रही है। आज हम लोग यहाँ पे NSUI बैठी हुई है धरने में, और तभी आज आश्वासन लेने नहीं आए हम लोग, आज हम लोग यहाँ से तभी उठेंगे जब हम लोगों को निर्णय मिल जाएगा और इनका रिजल्ट फ्रीड होगा। इनका रिजल्ट गड़बड़ नहीं है, इन्होंने पेपर सही लिखा है, सभी ने पेपर सही लिखा है, इनका सिर्फ क्या गड़बड़ी है कि वहाँ से चढ़ा नहीं है, इरोर बता रहा है, सर्वर डाउन है, तो ये कब तक बेचारे परेशान रहेंगे। इनकी परेशानी के लिए NSUI खड़ी है, दो तीन शिक्षक हैं, जल्दी इनका नाम हम, ये यही मॉडल साइंस के हैं, जल्दी इनका नाम जैसे हमको प्रूफ मिल गया है, जैसे ही हमारे पास आता है हम इनको आपको सोशल मीडिया में भी उपलब्ध कराएंगे और जल्दी इनके सामने होगा। इनको बोला कि पानी यहाँ है, पानी बास मारता है, ये बेचारे शिकायत करते हैं, तो मैडम क्या कहती हैं कि वहाँ से पानी खराब आता है, हम क्या करें, RO लगवाइए, आप CM से बात करिए, फंड लाइए, बोलती है हमारी गलती नहीं है पानी खराब, वो भी शिक्षक भी इसी पानी को पिए ना, आपको तो पेमेंट मिलती है, ये तो बेचारे अपनी घर से ला के देते हैं, कोई भी होता है बात तो ये बोलती है बजट नहीं है, बेंच नहीं है, क्लासेस नहीं लगती, शिक्षक धूप लेते हुए बैठे हैं। ये कॉलेज का प्रशासन है, इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने लगे हैं और जब तक हम लोगों को यहाँ वो नहीं होगा तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। उप मुख्यमंत्री आते हैं तब इनका बजट भी आ जाता है, पूरे में फ्लावर्स भी लग जाते हैं और पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन जब बात आती है छात्रों को पानी पीने की या परीक्षा में हो, तो उप मुख्यमंत्री चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी छात्र हित में काम करने को तैयार नहीं। ये लगता है सब पैसे खा रहे हैं, एक तरफ से कुछ तो बजट कुछ भी तो प्रिंसिपल मैम के पास भी आ रहा होगा, जो छात्र जो शिक्षक ले रहे हैं, जा कहाँ रहा ये 4,000 रुपये। हम सब इस बार लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं, आज ये तभी उठेंगे जब इनका निर्णय होगा। यहाँ से AD ऑफिस जाना पड़ा तो हम AD ऑफिस भी पैदल जाएंगे, क्या 400, अगर 400 छात्र हैं तो 380 छात्र बेचारे प्रमोटेड वीथेल रेटिकेटी, ये परेशान है, एक महीने से परेशान है, इन पर कोई वो नहीं हो रहा कार्रवाई। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा, मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज, गाल ब्लेंडर पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में।
पता याद रखें, समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा, मोबाइल नंबर 8349240699।